नारी सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का लगातार सख्त रवैया बना हुआ है। दरअसल सरकार बनते ही होमियों को दिन में तारे दिखवा दिए। नारी सुरक्षा को लेकर पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए कि इसी को लेकर कई जगह नारी सुरक्षा पर तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सेंट मैरी इंटर कॉलेज में नारी सुरक्षा दिवस मनाया गया। इसमें एसपी सिटी आशीष श्रीवास्तव और सीओ सिविल लाइन रईस अख्तर मौजूद रहे। यहां सबको बताया गया कि महिलाओं के लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं और वो कैसे इन कानूनों का सहारा ले सकती हैं। पूरे कार्यक्रम में वक्ताओं को सुनने के बाद सभी का ज्ञान वर्धन हुआ। Okay, this is UP 101. Then second is a Twitter. Twitter handle of UP Police is @UP Police. Of our DGP is @DGP UP. Of like all the officials, they have their Twitter handle, and it is like easy to search their Twitter handles. You go on internet, search for Twitter handle, you will get them, and you can simply tweet your problem to any of them or all of them. Okay, so second is Twitter. And third is EFI. One way to register FIR is going to police station. Other way is you just go to UP100's website or uppolice.nic.in. There is a citizen charter button is there. You click it. You register yourself and then register your problem. Your EFIR will be registered with us. There are these three problems, which three methods, three portals which anybody can use. And there is one extra portal which is specifically for women, for ladies, for girls, and that is 1090. Just now you have seen in the video, we were talking about 1090. So 1090 is specifically for women. And how it started? Before, like, you must have had landlines in your phone, or whoever had landlines in their phone earlier, before 2010, इनके घर में landline लगा था. Okay, so landline goes to the complaint section where there are male officers, taken by lady officers. Lady officers will be, and your identity will be kept a secret. Those will be anonymous call. They will never ask your name. If you call on 1090, they will never ask your name. So your name will not be disclosed at all. They will identify you by your mobile number only. Okay, then your complaint will be registered there. And the complaint usually would be, I am like receiving messages. सुरक्षा के कार्यक्रम क्या गया है, उद्देश्य क्या था इसका? ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी और हमारे उत्तर प्रदेश के DGP श्री सुशांत सिंह साहब ने 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक नारी सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इसी के अंतर्गत पुलिस प्रशासन ने हमारे मर्दबाज डीम फाउंडेशन मिलकर एक कार्यशाला का आयोजन किया है सेंट मैरी स्कूल के अंदर, जिसमें हमने सब यहाँ पे गर्ल्स को उनके पावर्स के बारे में बताया गया है कि किस तरह से अगर कोई आपको हैरस करता है, कोई परेशान करता है, कोई वर्किंग लेडी को परेशान करता है, तो कितनी पावर्स आज महिलाओं के पास है। सिर्फ वो एक 1090 पे एक फ़ोन अपना एक करें, उसके बाद उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा, नंबर भी गुप्त रखा जाएगा, और सामने वाले को 3 ऑप्शन से समझाया जाएगा। पहले उससे बात होगी, फिर लात और फिर हवालात। मतलब कोई भी हैरस करने वाला, कोई भी क्राइम करने वाला बच नहीं सकता। इतना अच्छा सिस्टम चल रहा है इस टाइम, और पुलिस प्रशासन पूरा महिलाओं के साथ है। और जैसे कि एक स्लोगन दिया है मुख्यमंत्री जी ने, चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। अगर आप चुप रहेंगे तो कोई आपके साथ नहीं है, अगर आप खुल के बोलेंगे प्रशासन भी, हम जैसे NGOs भी और महिला NGOs भी आपके साथ हैं। इसलिए मैं आपके दोनों चैनल्स के माध्यम से सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, किसी के साथ कोई भी कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, क्राइम होता है, कोई हैरस होता है, प्लीज़ वो चुप्पी तोड़े और 1090 पे अपना शिकायत दर्ज कराएं। और एक पावर एनजीओस के फॉर्म हमने यहाँ सब में डिस्ट्रीब्यूट करें, शक्ति परी भी बोल सकते हैं इसको, जैसे SPU कार्ड बनते थे, इसी तरह एक शक्ति परी कार्ड बनेंगे, और वो किसी और लड़की के बिहाफ पे अपने नंबर से कंप्लेंट कर सकती हैं, और 1 साल का कार्यकाल होगा, उसके बाद उनका अप्रिशिएट कराया जाएगा, टी शर्ट दी जाएगी, और मे बी कि मुख्यमंत्री जी द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। सभी से निवेदन कि ज्यादा से ज्यादा शक्ति परी बने, और हमारे मंच के माध्यम सबसे निवेदन कि कोई भी अपने ऊपर होने वाले अपराध ना सहे, चुप्पी तोड़े खुलकर। धन्यवाद।